क्या आप लोग क्यों कूच करना चाहते हैं, क्या वजह? पुलिस यहाँ पे परमिशन नहीं है। देखिए, परमिशन होना चाहिए। गवर्नर के पास जाकर अपनी बातें कहने का, अपना विरोध जताने का पूरा संवैधानिक हक है। और गवर्नर साहब किसी आरएसएस या किसी बीजेपी के नहीं होते, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो गवर्नर साहब जब आते हैं बजट के सेशन में, तो हमारी सरकार तारीफ करते हैं। और आज जो बीजेपी की बोली बोलते हैं, उनको उनका उनका ये आज उनका ये हक था, उनकी ड्यूटी थी कि वो आज वहाँ रुकते और कम से कम इन किसानों से मिलते आज, लेकिन चले गए वहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं। आज लाखों लोगों का, किसानों का मोर्चा महाराष्ट्र के कोने कोने से, सारी बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियाँ, सारे एनजीओज ने ऑर्गेनाइज किया। और हमें एक मेमोरेंडम देना था राज्यपाल जी को, पर राज्यपाल जी हट गए और मेमोरेंडम खुद नहीं ले रहे हैं। हमें जिद है कि हम उनको देंगे, इसलिए हम गाड़ी में बैठे हैं, जाएंगे अभी। यही तय हो रहा है कि देखो क्या करना है। अरे क्या हुआ, नहीं जाना है? देखिए, आज इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ है, लाखों किसान महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, किसानों के खिलाफ इतना बड़ा कानून बनाया जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, परंतु यहाँ के राज्यपाल साहब मिलने को तैयार नहीं। की बात, राज्यपाल साहब कहीं बाहर चले गए, उन्होंने अपना कोई सेक्रेटरी को नियुक्त किया है। हम उनको जा रहे हैं मेमोरेंडम देने के लिए। पुलिस हमको जाने नहीं दे रही, अपनी गाड़ी में लेके जा रही है। लेकिन हमें अफसोस है कि इतने बड़े आंदोलन का सिर्फ जो है मिलने को तैयार नहीं हमारे राज्यपाल साहब।